फिलेट वेल्ड, उसने हमें डायरेक्ट क्या दे रखा है, ये अब 8 mm क्या हो जाएगा, दो प्लेट्स उसने बोला है कि दो प्लेट्स जोड़ी हुई है किससे, फिलेट वेल्ड से 8 mm, तो ये 8 mm क्या है, साइज ऑफ वेल्ड, करेक्ट, तो व्हाट इज 8 mm, s इक्वल्स टू 8 mm, फर्स्ट केस कर रहे हैं अभी, निकालना क्या है थ्रॉट थिकनेस, कैन यू टेल मी, और क्या गिवन है, एज्यूमिंग द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस इक्वल्स टू 90 degree, तो व्हाट क्या करना रहेगा, थ्रॉट थिकनेस का फॉर्मूला क्या है, t इक्वल्स टू 90 degree है फेस, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0.7s, व्हाट इज s इन दिस केस, फर्स्ट केस में 8 mm, जरा बताओ कितना आ गया, 5.6, करेक्ट, तो वैल्यू किस में होगी, ये mm में, बस यही निकालना था, वेरी बेसिक, क्लियर है, यस मैम, सेकंड केस, अ फिलेट वेल्ड जॉइनिंग टू प्लेट्स विद द साइज ऑफ वेल्ड, एक लेग दो प्लेट्स का जो भी है कितना है 8 mm एंड द अदर इज ऑफ 12 mm, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे एस की, लीस्ट लेंगे, लीस्ट वाली 8 mm, ठीक है, देन अगेन कैसे निकालोगे, एस कितना हो जाएगा 8 mm, सेम हो जाएगी वैल्यू 5.6, और ये कितना हो गया 0.7, तो वैल्यू कितनी आई, सेम, ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट गिवन है आप लोगों को टू प्लेट्स जॉइन बाय 10 mm फिलेट वेल्ड, नाउ व्हाट इज एस, टेन एम एम, बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल्स थे ये, बस ये बेसिक आपको टी निकालने के लिए थे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा टी, 0.7 इंटू 10, कितना हुआ, 7, थ्रॉट थिकनेस 7 mm, इसमें कोई डाउट, नो मैम, ओके, अगला करें, बेटा जो बच्चा भी बिना रोल नंबर के एडमिट हो रहा है आई वोंट लेट देम, ये हर्षमान को आप मैसेज कर सकते हो कि अपना नेम चेंज करेगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द सेफ लोड, हमें सेफ लोड निकालना है फॉर अ फिलेट वेल्ड ऑफ 6 mm, यहाँ पे लिख ले गिवन क्या है, गिवन एस हमें गिवन है, फिलेट वेल्ड साइज गिवन है 6 mm, और क्या है, वेल्डेड जॉइंट विद इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ हम लोगों को गिवन है, कितनी गिवन है, 150 mm, ठीक है, तो एल डब्ल्यू से डिनोट करते, लेंथ ऑफ वेल्ड इफेक्टिव हमें गिवन है वैल्यू 150 mm, और क्या गिवन है, द ग्रेड ऑफ स्टील इज इतना, ठीक है, आपको ग्रेड ऑफ स्टील गिवन है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये 410 क्या हो जाएगा बेटा, Fu होगा, Fu अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है, एंड ये इसमें प्रिंटिंग एरर, ठीक है, एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हम लोग को गिवन है Fy, Fy कितना है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टेक गामा mw फॉर शॉप वेल्डिंग, शॉप वेल्डिंग है, अगर नहीं भी गिवन होगा आपको, मैंने पहले ही बोला था शॉप वेल्डिंग के केस में हम लोग क्या लेकर चलते हैं, ये सब गिवन है, निकालना क्या है सेफ लोड, ठीक है, आप लोगों को कल का अगर फॉर्मूला याद हो, मैंने आपको बोला था बट वेल्ड के केस में हम लोग क्या लेकर चलते थे,
ये हमारा केस किसका है, फिलेट वेल्ड का ना, एफ वाई लेकर चलते थे. अब हमारा फिलेट का केस है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड ही तो निकालनी है, सेफ लोड निकालना है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेफ वैल्यू कितनी है, वही निकालना है. तो स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं बेसिकली हम फिलेट वेल्ड की, तो फॉर्मूला क्या होता था आपको अगर नहीं याद होगा आप कोड भी रेफर कर सकते हो. ठीक है, तो कितना हो जाएगा एल डब्ल्यू टी ई एफ यू अपॉन में रूट थ्री गामा एम डब्ल्यू, यही फॉर्मूला था. हाँ जी बोलो. यस मैम. और बट ट्वेल्व का कौन बताएगा, बट ट्वेल्व में क्या था एफ वाई, अगर यही केस आपका बट हाँ करेक्ट एल डब्ल्यू टी ई एफ वाई अपॉन में गामा एम डब्ल्यू, और यहाँ पे हम यील्ड स्ट्रेंथ देते थे. ठीक है, क्लियर है. पर अभी केस हमारा किसका है, फिलेट वेल्ड का. तो हमारे पास वैल्यूज है सारी की सारी, एल डब्ल्यू है कितना है 150, यूनिट्स क्या है एमएम है तो चलेगा, देन टीई कितना है, गिवन है टीई, बताइए गिवन है कि नहीं है. नो मैम निकालना पड़ेगा. साइज है ना, साइज गिवन है, तो हमें यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम लोग उसको 90 डिग्री फेस को मान करके चल रहे. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा टी इक्वल्स टू, बताओ 0.7 इंटू एस, एस कितना है बेटा 6, हो रहे हो क्या सारे 6 है मैम, 6 है मैम. हाँ 0.7 इंटू 6 करा तो कितना आ जाएगा 4.2, करेक्ट. तो आपके पास TE कितना हो गया 4.2, करेक्ट. तो यहाँ पे पुट कर दो 4.2 mm में ही है. Fu अल्टीमेट स्ट्रेंथ है हमारे पास, गिवन है कितनी है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसमें पुट कर दो. ठीक है, रूट थ्री गामा mw कितना है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25, निकल जाएगा आंसर. सारी वैल्यू पुट कर दी, ये किसमें है एमएम में, ये किसमें है एमएम में, ये किसमें है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कैंसल हो जाएगा एमएम एमएम, आंसर किसमें आएगा न्यूटन में. वैसे भी सेफ लोड है ना, तो आंसर किसमें आएगा न्यूटन में. जरा मेरे को करके बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो मैम. 119307.15 119307.15 बाकी सबका भी यही आ रहा है. आया बताओ वैल्यू आ रही है ये मैम 119583.3 क्या क्या 119583.3 चेक कर लो भाई किसका कितना आ रहा है, कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी बताया हुआ है. देखो 119303.65 96 इतना कुछ आ रहा है. न्यूटन में, अगर किलो न्यूटन में करना होगा 3 डेसिमल प्लेस आगे चला जाएगा. हाँ जी पता है ना, किलो न्यूटन से न्यूटन में, न्यूटन से किलो न्यूटन में डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं 1000 करते हैं. यस मैम. ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा किलो न्यूटन में 119.3 किलो न्यूटन. क्लियर है न्यूमेरिकल. यस मैम.
हाँ जी, बाकी जो लेट एंटर हुए हैं, क्लियर है न्यूमेरिकल? किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द सेफ लोड। अगेन हमें क्या निकालना है? सेफ लोड निकालना है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द फिलेट वेल्ड जॉइंट मेड बाय मेड ऑन टू प्लेट्स। इट मींस दो प्लेट्स को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है? द टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड इज 275 mm विद 2 × 100 mm अलॉन्ग, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड उसने दे रखी हम लोगों को कितनी? 275 दे रखी है। उसने क्या बोला? विद 2 × 100 mm अलॉन्ग। जो दो साइड्स हैं वो कितनी है? 100 mm की है एंड 75 mm ऑफ अप्लाइड एक्सियल लोड। पहली बात तो दो प्लेट कनेक्ट हो रही है, ठीक है। टोटल वेल्ड की जो लेंथ उसने बताई है कितनी बताई है? 275 mm। उसमें से उसने क्या बोला कि जो 100 mm वाली है वो दो साइड्स है। तो इट मीन्स अगर मैं बोलूं एक प्लेट इधर ऐसे कनेक्टेड है, फिलेट वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने उससे बोला दो, तो इट मीन्स एक तो ये वाली साइड हो गई, ठीक है, दिस साइड, ये कितनी हो गई? एक फिलेट वेल्ड ये हो गया और एक फिलेट वेल्ड यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये इसने क्लियर कट हमें बोल दिया है कि कितने की है, दो साइड्स कितने की बोली? 100 mm। ये भी कितने की हो गई? 100 mm। और क्या गिवन है? एंड 75 mm ऑफ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। अगर मैं बोलूं कि ये बाहर को लोड लग रहा है P, एक इधर को बाहर को लोड लग रहा है P, तो इट मींस ये वाली साइड हो गया वेल्डिंग वाला, ये कितना हो गया? 75 mm। तो क्लियर है 275 कैसे हुआ? 100 + 100 + 75 हो गया 275, हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। ये क्या कह रहे हैं? साइज ऑफ वेल्ड गिवन है, एस गिवन है 8 mm, और क्या गिवन है? स्टील का ग्रेड गिवन है 410, ठीक है, कितना? 410। तो आपको एफ यू भी गिवन है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालनी है, ठीक है। अब उसने कोई ऐसे कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं गिवन है अलग अलग की, अलग मटेरियल है या कुछ हमें, और वेल्ड साइज भी सेम गिवन है 8 mm। तो जब साइज सेम है तो थ्रॉट थिकनेस भी सबकी क्या होगी? सेम। तो यहां से हम इससे थ्रॉट थिकनेस निकाल ले, क्या होगी? 0.7 × S। S कितना है? 8 mm। कितना हुआ बताओ? TE 5.6 mm, ठीक है। लेंथ ऑफ वेल्ड हमें टोटल गिवन है क्वेश्चन में 275। देखो अगर ये गिवन होता ना क्वेश्चन में, साइज ऑफ वेल्ड अलग गिवन होता तो केस अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमें साइज ऑफ वेल्ड स्टैंडर्ड गिवन है सबका की सेम है। एस कितना है? 8 mm ही चल रहा है, तो केस सेम है सबके लिए, क्योंकि थ्रोट थिकनेस भी क्या आ गई? सेम आ गई, ठीक है। लेंथ ऑफ वेल्ड हमें गिवन है, निकालनी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है, मतलब कितना सेफ लोड वो झेल सकता है ये ज्वाइंट हमारा, वही निकालना है हमें। फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या होता है, LW PE, ये तो याद ही कर लो कि आपको कोड्स के ऊपर भरोसे मत रहना, याद कर लेना LE LW PE FU / √3। और हमेशा हम लोग क्या लेकर चलते हैं? अगर नहीं गिवन है तो हम साइट वेल्डिंग ले लेते हैं, या फिर अगर अगर गिवन है शॉप वेल्डिंग ले लो, साइट वेल्डिंग ले लो, तो लेटेस्ट है शॉप वेल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी साइट वेल्डिंग लेते हैं, साइट वेल्डिंग लेंगे। अच्छा दोनों की पहले आप मेरे को बताओ, अगर साइट वेल्डिंग होता है तो कितना होता है? 1.5। करेक्ट, साइट वेल्डिंग के लिए होता है 1.50, ठीक है। और अगर हमारा शॉप वेल्डिंग होता है तो गामा कितना होता है? 1.25। अगर अगर हम 1.5 लेकर चलते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ज्यादा है, तो हमारा सेफ लेकर चलेंगे, मैक्सिमम सेफ लिमिट हो जाती है।
ठीक है, कम कम लोड आएगा तो इट मींस अगर हम कम के लिए सेफ लोड के लिए डिजाइन, मतलब हमारा अगर कम के लिए डिजाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम पार्शियल सेफ्टी करके चल रहे हैं, तो हम अल्टीमेट सी बात है उससे ज्यादा ही लेकर डिजाइन करेंगे ना वैल्यू, उसके उससे सेफ ही करेंगे, तो वो हमारा ज्यादा सही होएगा इन कंपैरिजन टू इसमें, इसमें हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम है तो हम सेफ लिमिट्स कम लेकर चल रहे होते, तो इसीलिए हम लोग साइट वेल्डिंग को कंसीडर करके चलते हैं। अगर नहीं गिवन है तो हम लोग 1.50 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गामा एमडब्ल्यू कितना लेकर चल रहे हैं, गिवन नहीं था, अगर गिवन होता कि भैया हम शॉप वेल्डिंग कर रहे हैं तो हम 1.25 ले लेते, ठीक है, तो इसीलिए अभी हमने 1.5 ले लिया, हम कंसीडर करके चल रहे हैं जो वेल्डिंग हो रही है साइट पे हो रही है, ठीक है, कंसीडर कर लिया 1.5। अब मेरे को बताओ एलडब्ल्यू कितना है टोटल, 275 करेक्ट, टीई अभी निकाला कितना आया 5.6। अब यहाँ पे वेल्डिंग फिलेट वेल्ड है, कौन सा लेंगे वैल्यू, एफ यू लेंगे, पाई नहीं लेंगे, बट वेल्ड होता तो एफ वाई लेते, एफ यू लेंगे 410 डिवाइडेड बाय रूट 3 1.5, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा आंसर, यूनिट क्लियर है ना, यूनिट कैसे आ रही है, न्यूटन है इसकी, जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा, ये एमएम में, दिस इज इन एमएम, ये वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एमएम स्क्वायर और एमएम एमएम कैंसिल हो गया, बचा क्या न्यूटन, ठीक है, ये रूट 3 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो आंसर हमारा न्यूटन में आता है, यूनिट्स में मत कंफ्यूज रहिएगा, आंसर कर कैलकुलेट करके बताओ 2.97। ये किसमें आया, न्यूटन में आया है, ठीक है, किलो न्यूटन में, आपको पता है अगर हमें किलो न्यूटन में करना है आंसर लिखना है तो इसको डिवाइड किससे कर दोगे, थाउजेंड में, थाउजेंड से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 243.02 किलो न्यूटन, क्लियर है, कोई दिक्कत, नो मैम, आपको clear. आपको इसी तरह के ही न्यूमेरिकल आएंगे बड़े सिंपल से, ठीक है, कर दूं इसको रिमूव, हाँ जी क्लियर है, नेक्स्ट करें न्यूमेरिकल, हाँ जी ये थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा समझ के, जैसे मैंने आपको पिछले वाले केस में क्या बोल रहा था कि साइज ऑफ वेल्ड आप लोगों को क्या गिवन था, सेम गिवन था, इस केस में एक ये वाला केस है, इसमें आपको साइज ऑफ वेल्ड अलग गिवन है, ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या है, फाइंड द सेफ लोड अ फिलेट वेल्डेड जॉइंट कैन कैरी इफ टू प्लेट्स ऑफ साइज, दो प्लेट्स के साइज गिवन है, एक प्लेट का साइज हमें गिवन है कि उसकी जो ये वाली वैल्यू है डी दैट इज 160 mm, ठीक है, और 14 mm उसकी क्या है थिकनेस हमें गिवन है, दूसरा हमें क्या गिवन है कि जो दूसरी प्लेट है उसका डायमेंशन कितना है 200 mm × 14 mm, मतलब ये जो नीचे वाली बड़ी वाली प्लेट, ठीक है, आर कनेक्टेड बाय लैप जॉइंट, लैप जॉइंट में कनेक्टेड है, ग्रेड हमें एफ यू गिवन है 410 newton per mm square, द वेल्डिंग इज शॉप वेल्ड, शॉप वेल्ड है तो गामा एम कितना हो जाएगा 1.25, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा गामा एम डब्ल्यू। अब ध्यान से देखो, बस हमें इतना सा गिवन है, अब निकालने को क्या बोल रहा है, सेफ लोड निकालना है, ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें गिवन क्या है कि इन दो साइड्स के लिए जो साइज ऑफ वेल्ड है वो कितना हो गया 6 mm, और इस वाली साइड के लिए जो साइज ऑफ वेल्ड है वो कितना है 8 mm, तो क्या फर्क होगा आप मेरे को खुद बताएंगे, अगर साइज ऑफ वेल्ड अलग है तो क्या फर्क होगा, फर्क आएगा थ्रोट थिकनेस चेंज होगी, थ्रोट थिकनेस चेंज हो जाएगी,
करेक्ट, थ्रॉट थिकनेस चेंज होगी. तो जो TE, अगर मैं 6 mm के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा, K into S, S कितना है अगर मैं साइड्स की बात करूं सिर्फ और सिर्फ ये वाली, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.7, नहीं गिवन है तो 90 डिग्री लेकर चलेंगे, 0.7 into 6, तो इस केस के लिए कितना हो गया 4.2 mm, ठीक है. अब इस वाले केस में 8 mm के लिए TE कितना हो जाएगा बेटा, K into S equals to 0.7 into 8 mm, कितना हुआ 5.6, ठीक है. अब मुझे बताओ आपको फर्क क्या होगा दोनों में, जब TE अलग हो गया तो इट मींस आप इन दो साइड्स के लिए आप स्ट्रेंथ अलग से निकालोगे सेफ लोड, और इस 8 mm के लिए आप सेफ लोड अलग से निकालोगे, और दोनों को क्या कर दोगे आखिरी में, प्लस कर, हाँ ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो हमारी टोटल क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी इस पूरे फिलेट जॉइंट की. क्लियर है दोनों में डिफरेंस क्या था, पहले केस और इस वाले केस में. पहले केस में मैंने आपको क्या बोला था कि उसमें थ्रॉट थिकनेस जो थी बेटा वो सेम थी, इस केस में क्या है थ्रॉट थिकनेस अलग है. तो जब थ्रॉट थिकनेस अलग आई तो इसीलिए हम लोग वैल्यूज भी क्या निकालेंगे, दोनों की अलग अलग निकलेंगी स्ट्रेंथ की. तो आपके इस वाले केस में अगर ये 200 mm है, ये 200 mm है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ जहां पे 6 mm का प्रोवाइडेड साइज ऑफ बेल्ट, 200 एक साइज पे, 200 एक साइज पे, करेक्ट. तो एल कितना हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा 400 mm, ठीक है. और अब आपको क्या निकालनी है आखिरी में, स्ट्रेंथ निकालनी है, एल डब्ल्यू टीई एफ यू डिवाइड करेंगे हम रूट थ्री गामा एम डब्ल्यू, यही है. तो आप 6 mm के लिए निकालोगे इस तरह से, एल डब्ल्यू कितना हो गया लेंथ ऑफ वेल्ड 400, टीई कितना हो जाएगा 4.2, एफ यू आपका 410, और शॉप वेल्ड है तो कितना हो गया 1.25. ये तो इस केस में हो गया, मेरे को आंसर निकाल के अभी आप बताएंगे खुद ही. और इस केस में अलग से निकालोगे, यहाँ पे 8 mm की कितनी डायमेंशन है, एल डब्ल्यू कितना है इस केस में, 160 mm है, ठीक है. तो एल डब्ल्यू इस केस में कितना हो जाएगा 8 mm के लिए 160 mm. अगेन पुट कीजिए फॉर्मूला, एल डब्ल्यू 160 इंटू क्या है साइज, थ्रॉट थिकनेस बेसिकली 5.6 into 410 divided by root 3 gamma mw कितना है 1.25. अब मेरे को दोनों की values निकाल के बताइए आप. मैम 6 mm वाली की आ रही है 3181.43. कितना जीरो जीरो नाइन हाँ न्यूटन. ओके न्यूटन, ठीक है. और इस वाले की 8 mm की निकालिए जरा, इसको अगर किलो न्यूटन में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 318.143 kN. ये वाली बताओ, एट एम एम वाले की बताओ. मैम 169 मैम. ओके 169 6.316 newton. चलो ये न्यूटन में हो गई तो इसको हम किलो न्यूटन में कर देते हैं, 169.676 किलो न्यूटन.
तो टोटल हमसे उसने पूछा क्या है, फाइंड सेफ लोड. सेफ लोड किसके बराबर होगा, ये वाला लोड जो कि 8 mm वाला है प्लस ये वाला लोड. तो आपका जो टोटल सेफ लोड हो जाएगा, तो आप कैसे लिखोगे, स्ट्रेंथ ऑफ 6 mm बेल्ट प्लस स्ट्रेंथ ऑफ 8 mm वेल्ड, दोनों की स्ट्रेंथ को ऐड कर दो. ठीक है, ये मतलब 169.676 प्लस 318.143, दोनों को ऐड कर दो, तो जो भी वैल्यू होगी आपकी वो आपकी टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी से आपकी फिलेट वेल्ड जॉइंट की. क्लियर है न्यूमेरिकल? यस मैम. इसी तरह के सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आप लोगों के आते हैं. ऐड करके जरा बताओ टोटल कितना आ रहा है. 487.81. काफी है आज के लिए न्यूमेरिकल्स, 5 हो गए टोटल.